नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 में विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा जो पांचवा पाठ था वो कल तक की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा आठवां पाठ है इसको हम पढ़ेंगे। पांच पाठ आपके कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के, छठा और सातवां बायो के कंप्लीट हो गए हैं। अब ये आठवां और नया चैप्टर चलेगा बायो का। इसके बाद मैंने 10वां 11वां आपको करवा रखा फिजिक्स का, फिर उसके बाद 12वीं से स्टार्ट होगा। तो पहले हम ये आठवां चैप्टर देखते हैं। तो आठवां चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जो होते हैं जितने भी जीवधारी हैं इस संसार में वो जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और ये क्यों आवश्यक है करके हम पहले इसको जानेंगे। उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अभ्यास से भी संबंधित हैं और पाठ के बीच बीच में जो दिए जाते हैं क्वेश्चन, उनको भी मैंने अपनी इस कॉपी में नोट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन क्या है करके और ये क्यों आवश्यक है। तो इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन भी आता है और कभी कभी शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या संक्षेप में कीजिए। जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, या जो है जनन किसे कहते हैं इसके प्रकार बताते हुए अलैंगिक जनन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है और अधिकांशतः जो है इसका लॉन्ग में नहीं आता बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इनको बीच बीच में बताते जाऊँगा क्वेश्चन के हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऐसे आंसर लिख लेंगे जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो जीवधारियों द्वारा, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ ऊपर से लिखा है मैंने, जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने तथा अपनी जाति को सृष्टि में बनाए रखने की क्रिया जनन कहलाती है। तो क्या होता है जनन और क्यों आवश्यक है, दोनों के ही आंसर ये जो लाइन से इनमें मिल गया हमको कि अपनी जो है प्रजाति को या अपनी जाति को जो है सृष्टि में बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है, यहाँ मिल गया। और जनन किसे कहते हैं कि जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने और अपने प्रजाति को सृष्टि में बनाए रखने की क्रिया को जनन कहते हैं या यह प्रक्रिया जनन कहलाती है करके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जनन किसे कहते हैं करके। ठीक है, जनन जैव विकास में सहायक होता है। जैव विकास यानी कि जीवों का विकास, जो स्टार्टिंग में जब जीवों का विकास हुआ था बहुत सरल से, बहुत छोटे से जीव थे, बहुत सूक्ष्म जीव, जो जैसे कि जल में या कहीं पर पृथ्वी की मिट्टी की लेयर में बहुत सूक्ष्म, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इनसे उनका विकास हुआ सरल प्राणियों से, धीरे धीरे विकसित होकर वो जटिल प्राणियों तक पहुँचे। तो यही जो प्रक्रम होता है वो जैव विकास कहलाता है। तो जो जनन होता है वो जैव विकास में सहायक होता है, धीरे धीरे जो है जटिल प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, जीवधारियों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इनको जानते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है करके। ठीक है, सबसे पहले अलैंगिक जनन। ठीक है, यह प्रायः एक कोष के जीवों, कुछ प्राणियों व पादपों में होता है। यह निम्नलिखित विधियों से होता है। जो अलैंगिक जनन है यह प्रायः एक कोष के जीवों में या कुछ प्राणियों या पौधों में होता है और इसमें जनन के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक या तो माता हो या पिता हो, तो उनके ही द्वारा जो है ये जो जनन है वो हो जाता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, उसमें नर और मादा यानी कि जनकों में माता और पिता के निषेचन करने के, जब निषेचन होता है तो निषेचन करने के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के पश्चात जब शिशु का जन्म होता है तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में जो है दोनों की ही आवश्यकता होती है, यानी कि जनकों में माता और पिता दोनों की ही आवश्यकता होती है। यानी कि इसको कह सकते हैं वह जनन जिसमें संतानें उत्पन्न करने के लिए दोनों जनकों, माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन वह है जिसमें जनकों में किसी भी एक यानी कि माता या पिता का होना आवश्यक होता है। ठीक है, वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। अब अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, कैसे कैसे जो है अलैंगिक जनन होता है, विभिन्न
जीवों में उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले द्विखंडन। द्विखंडन जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, द्विखंडन दो खंडों या दो भागों में बंटना, जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अमीबा पैरामीशियम का केंद्रक दो भागों में बंटकर दो जीवों में बदल जाता है। आपको पता है कि जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं दोनों ही एक कोश के जीव होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके जो केंद्रक होते हैं, जो सेंटर उनका केंद्रक पाया था, वो दो भागों में बंटता है। और उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो फिर कोशिका होती है बाहरी कोशिका, वो भी दो भागों में बंटकर दो जीवों में बदल जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये अमीबा है, अमीबा के मध्य में केंद्रक पाया गया है। केंद्रक के विभाज केंद्रक का जो है पहले जो जो केंद्रक है मध्य में, वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं वो अपना साइज चेंज करता है, और इस तरह से दोनों जो है केंद्रक इसी कोशिका एक कोशिका के अंदर, सिंगल सेल जो अमीबा होती है उसके अंदर ही अलग अलग हो जाते हैं। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर की भित्ति है शरीर की, वो भी जो है अलग अलग होने लगती है, और इस तरह से फिर अंत में ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये होता है द्विखंडन, यानी कि एक सिंगल सेल माता या पिता से, ठीक है, वो दो भागों में ये जो है बढ़ जा रहे हैं, इस तरह से संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं और अपनी प्रजाति को संसार में बनाए रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है आता है बहुखंडन, यानी कि मल्टीपल फिशन। बहुखंडन यानी कि बहुत से भागों में बढ़ जाना। अमीबा तथा प्लाज्मोडियम जैसे जीव अत्यधिक ताप और शीत से बचने के लिए अपने चारों ओर पुट्टी सिस्ट बना लेते हैं, यानी कि जब इनको सही क्लाइमेट या अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो अपने चारों ओर एक आवरण जैसा बना लेते हैं, जिससे कि ये जो है पृथ्वी में अपना अस्तित्व बनाए रखें। इसका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य कई बार विभाजित होकर पुत्री कोशिकाएं बनाता है। तो इसका जो केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, वो जो है कई बार जो है विभाजित होता है, कई बार उसमें डिविजनल जो है वो अलग अलग बनते रहेंगे। अनुकूल वातावरण आने पर खोल फट जाता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं प्लाज्मोडियम जैसे जीव के, तो तब तक वो अपने अंदर कई जो हैं केंद्रक और कई पुत्री कोशिकाएं तब तक बना लेता है, लेकिन जब आवश्यक अनुकूल जब वातावरण मिल जाता है तो जो सिस्ट बना होता है, जो आवरण बना होता है, वो फट जाता है और अनेक जीव जो होते हैं वह उसके द्वारा फिर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा मैं आपको इस चित्र के द्वारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम है, तो जब इसको प्रतिकूल परिस्थितियाँ इसके सामने आती हैं तो क्या करता है, ये अपने चारों ओर एक आवरण टाइप का बना लेता है, जिसे सिस्ट कहा जाता है, और उस दौरान ये जो है अपने अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रकों में कई बार विभाजित होता है। देखिए कई बार विभाजित हो चुका है, और इस तरह से ये अनेक पुत्री कोशिकाओं, अनेक जो हैं संतानों को उत्पन्न करता है। जब इसको अनुकूल वातावरण मिलता है तब ये जो सिस्ट होता है, इसका खोल जो होता है वो फट जाता है, और जितनी भी ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर पैदा हुए हैं वो अलग अलग जो हैं स्वतंत्र रूप से एक जीव बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है बहुखंडन, यानी कि एक जीव से अनेक जीवों का उत्पन्न होना, ठीक है। अगला आता है बीजाणु जनन। एक कोश की जीव जैसे अमीबा आदि में कभी कभी केंद्रक कला जगह जगह टूट जाती है, और केंद्रक के क्रोमेटिन कण टुकड़ों में टूटकर अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्र कर बीजाणु बनाते हैं। जीव के चारों ओर जो कठोर आवरण बन जाता है वह अनुकूल परिस्थितियों में फट जाता है, और प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव का निर्माण करता है। फर्न, मांस, शैवाल तथा कवकों में बीजाणु बनते हैं। जैसे मैं आपको एक कवक का यहाँ पर उदाहरण दूंगा कि जो बीजाणु जनन है वो किस प्रकार से होता है करके। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक राइजोबस है, ये कवक है, ठीक है। तो कवक जो होता है वह क्या करता है, जो इसके टॉप भाग है इसका, इस राइजोबस का, तो इसके चारों ओर ये जो है कोशिका द्रव्य एकत्रित करता है और कई सारे जो है बीजाणु एकत्र कर लेता है अपने टॉप लेयर पे, ठीक है। और जब ये अनुकूल स्थितियाँ आती हैं तो जो आवरण होता है ये फट जाता है, और इस प्रकार से बहुत सारे बीजाणु आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे स्पोर्ट्स जैसे टाइप के दिख रहे हैं ये निकलते हुए, तो बहुत सारे ये बीजाणु जो हैं एक नए जीव का निर्माण करते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कवकों में भी जो है ये बीजाणु जनन होता है, ठीक है, इसे बीजाणु समासंग भी कहते हैं। फिर अगला अगला जो विधि है वह है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी कि कह सकते हैं हम दोबारा से अपनी स्थिति को या एक जो अपनी जो शरीर है उसको कई भागों में बढ़ जाने पर प्रत्येक भाग से नया जीव उत्पन्न होना, तो उसे पुनरुद्भवन कहा जाता है, ठीक है। रीजेनरेशन, स्पंज हाइड्रा आदि जीवों को दो या दो से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बन जाता है या बना लेता है। कैंचुआ सितारा मछली भी अपना शरीर दोबारा बना लेते हैं। कैंचुआ शरीर अगर टूट भी जाएंगे तो अपना शरीर जो है दोबारा से वो अपनी भाग कमियों को पूरा करके एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इसे पुनरुद्भवन कहा जाता है, जिसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन है, एक प्लेनेरिया ये भी एक सूक्ष्म जीव है, जिसको यदि हम टुकड़ों में काट दें, तीन भागों में काट दें, तो प्रत्येक भाग जो है स्वयं अपने को विकसित करके जो है एक पूर्ण स्वतंत्र जीव बन जाता है। देख रहे हैं आप, इस तरह से जो है ये एक सिंगल जनक से या माता होगा या पिता होगी, उसके द्वारा जो है तीन भागों में जो है तीन नए जीवों का निर्माण बढ़ करके तीन नए जीवों का निर्माण कर रहा है। तो इसे कहा जाता है पुनरुद्भवन, यानी कि शरीर के टुकड़ों में बढ़ जाने के पश्चात भी जो है प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण होना, ठीक है। फिर आता है मुकुलन। मुकुलन यानी कि बडिंग। हाइड्रा जैसे जीव मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा के जठर भाग पर एक छोटी सी कलिका बनती है जो कुछ समय तक शरीर पर ही बढ़ती रहती है, बाद में अलग होकर नया हाइड्रा बना लेती है, ठीक है। हम जानेंगे कि मुकुलन क्या होता है, इसको चित्र से समझेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक हाइड्रा का चित्र है, ठीक है। हाइड्रा में भी जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। हाइड्रा में उसके शरीर पर जो है एक कलिका जैसी बनती है, जैसे कलिका या उभार जैसा दिख रहा है, जिसे मुकुल कहा जाता है, ठीक है। जब ये जो है मुकुल इसके शरीर पर ही रहकर जो है इतने ही बड़े अपने जीव के शरीर के आकार का ही हो जाता है, तो ये उससे अलग होकर के एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है, क्योंकि जो ये नया जीव बन रहा है इसे मुकुल कहा जाता है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ जो उभार है, इसलिए प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो प्रकार आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन अभी तक तो हमने जीवों में ही पढ़ा, ये जितने भी थे जो विधियाँ थी अलैंगिक जनन की, सब जीवों में थी, यानी कि जीवों में जंतुओं में पाई जाती थी, जंतुओं में पाई गई थी। अब हम जानेंगे कि जो जो कायिक प्रवर्धन है वह पौधों के लिए ही सामान्यतः होता है करके, ठीक है। तो छठा जो विधि होती है अलैंगिक जनन की वो होती है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं जिसको। पौधे का कोई भी वर्धी भाग जब मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेता है तो इसे वर्धी प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी बढ़ने वाला भाग होता है किसी भी पौधे का, तो वृद्धि करके एक नया पौधा का निर्माण करता है, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक जो स्वयं होता है, ठीक है, कई पौधे तने जड़ें जो हैं स्वयं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। कृत्रिम मतलब कलम लगाकर, दाल वगैरह गुटी लगाकर, इस तरह से हम जो है कृत्रिम प्रवर्धन या कृत्रिम जो है उनका जनन करवाते हैं पौधों का, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को देखते हैं। पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है, जो स्वयं होते हैं। इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन कायिक जनन पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित प्रकार से होता है। जो पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं उनमें जो है ये कायिक प्रवर्धन निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला जड़ों में, तो जड़ों में किस प्रकार से होता है, शकरकंद सतावर पौधों की जड़ें भोजन संचय करती हैं तथा इन पर कलिकाएं होती हैं। इन्हीं कलिकाओं के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जड़ें जो होती हैं, जैसे शकरकंद सतावर, तो इनकी पौधे जो होती हैं जड़ भोजन को स्टोर करती हैं, है ना। तो इन पर जो है जब ये जनन करते हैं, जब ये नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इन पर जो है छोटी छोटी कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं और इन कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का जो है निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है तनु द्वारा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का दूसरा प्रकार तनु द्वारा। पौधे के विभिन्न प्रकार के तने कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं।
महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो तने होते हैं वो काय प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। इन तनों में भोजन संचित होता है तथा पर्व संधियों पर जो कलिकाएं होती हैं उनसे नए पौधे बनते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, जो तने हैं वो तीन प्रकार से जो हैं नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि भूमिगत तने। तो भूमिगत तने क्या होते हैं, जैसे आलू, अरबी, अदरक, ठीक है। ये आपको आलू का चित्र दिखाई दे रहा होगा। आलू कोई जड़ नहीं होती है, आलू एक तना होता है, ठीक है। तो आलू, अरबी और अदरक ये ऐसे भूमिगत तने हैं, भूमि के अंदर वाले तने जो जो है उन पर बने नोट से, जो आलू में छोटे गड्ढे टाइप के होते हैं उनसे जो है निकल कर नई कलियाँ निकल करके एक नए जो है पौधे का निर्माण करती हैं, ठीक है। अर्धवायवी तने जैसे पुदीना, जलकुंभी। अर्धवायवी तने जो जैसे कि जलकुंभी, ऐसा होता है अगर वो बीच बीच में पौधा टूट भी जाए तो जल में प्रत्येक पौधा जो टूटा हुआ भाग हो उसका वो वहीं से ही जो है नया अपने पर्व संधि से नई कलिका उत्पन्न होगी तो नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कुछ भूमिगत तनों के चित्र इसमें और दिखाए गए हैं आपको, यहाँ पर अगर आपको दिख रहे हैं तो फिगर में, ये देखिए आलू, अरबी और जिमीकंद, ठीक है, शकरकंद, इनमें जो है ये छोटे छोटे उभार कलिकाएं उभर करके एक नए पौधे का जो है निर्माण कर रही हैं, ठीक है। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाएं जैसे कि आपने लहसुन अनानास में देखा होगा, लहसुन में क्या होता है छोटे छोटे जो हैं बहुत सारी कलिकाएं मिल बहुत सारी छोटे छोटे जो प्रकलिकाएं होती हैं वो मिलकर के लहसुन का निर्माण करती हैं, जिनको पत्र प्रकलिकाएं कहा जाता है। अगर हम इनको अलग कर दें तो प्रत्येक पत्र प्रकलिका एक नए पौधे का जो है निर्माण करती है। तो ये भी जो है ये भी जो है तने में ही आता है, जो लहसुन होता है ये कोई जड़ नहीं होती है इसकी, ठीक है। फिर अगला है पर्ण कणिकाओं द्वारा, ठीक है। तो ये तो थे पर्ण यानी कि पत्तियों में जो कणिकाएं होती हैं उनके द्वारा। अभी तक जो हमने पढ़ा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने जड़ों द्वारा पढ़ा, जड़ों द्वारा किस तरह से जो है नए पौधों का निर्माण होता है, तनों द्वारा, तनों में तीन प्रकार के जो हैं तने आते हैं, भूमिगत तने, अर्धवायवी तने और पत्र प्रकलिकाएं, ठीक है। अब आता पर्ण कणिकाओं द्वारा यानी कि पर्ण प्रकलिकाएं यानी कि जो पत्तियों द्वारा किस तरह से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ब्रायोफिलम और बिगोनिया की पत्तियां होती हैं इनमें से जो हैं नई नई जो हैं पौधे या कलिकाएं निकल करके इस तरह से नए पौधे का निर्माण करती हैं। देखिए जो ये कणिकाएं हैं एक पत्ती की, इसके जो हैं जो नोट्स बने हुए हैं इनमें जो हैं छोटे छोटे पौधे लग करके फिर इस पत्ती से ये ब्रायोफिलम की पत्ती है यहाँ से अलग होकर एक नए जो है पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से भी जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। मनुष्य द्वारा पौधों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं, यानी कि जो मनुष्य जो है पौधों का जो है विभिन्न प्रकार से उनके तनों, जड़ों, उनको विकसित करके जो है जनन करवाता है तो उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सबसे पहले आता है इसमें कलम लगाना है कि जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। कुछ पौधों के परिपक्व तनों के टुकड़ों को भी भूमि में तिरसा गाड़ दिया जाता है, इससे नया पौधा विकसित हो जाता है, जैसे गुलाब, गन्ना, अंगूर आदि, ठीक है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं जो परिपक्व पौधे होते हैं, ये गन्ने का एक पौधा है, तो ये बीज के पूरे भाग को पर्व कहा जाता है और जो जहाँ पर ये रेखाएं जहाँ पे एक नोड्स बने होते हैं तो उनको पर्व संधि कहा जाता है। इसको तिरसा गाड़ा जाता है ज़मीन पे, इस तरह से तिरसा गाड़ा गया है तो ये प्रत्येक जो है पर्व संधि से जो है विकसित होकर के इस तरह से नई कलिका निकलती है और एक नया पौधा बनता है इसमें, ठीक है। तो ये एक कृत्रिम विधि होती है गन्ने के पौधे को उगाने की। दूसरी जो है इस तरह से कलम लगाना जो होता है हमारा, उसके अंतर्गत जो गुलाब के पौधे होते हैं उनको इस तरह से खड़ा काट करके और खड़ी कलम करके, इस तरह से खड़ी ऊपर टॉप से खड़ा काट रखा है, ठीक है, और इस तरह से इनको जो है थोड़ा तिरसा करके जो है ज़मीन में गाड़ा जाता है, ये जिस तरह से जो है एक नए जो है कलिका यहाँ से निकल करके एक नए गुलाब के पौधे का निर्माण करती है, ठीक है।
फिर जो दूसरी प्रोसेस होती है कृत्रिम काय प्रवर्धन की, दाब लगाना, जिसे लेयरिंग कहते हैं। गुड़हल, मोगरा, चमेली, नींबू आदि में शाखाओं के कुछ भाग को पौधे पर लगे लगे ही छिलकर भूमि में दबा देने से नए पौधे बनते हैं। यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ इस पर, ये देखिए यहाँ पे ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम दाब लगाना। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पौधे में जो तने हैं, तने के पास से यहाँ पर इसको ज़मीन में गाड़ करके छिल छिल रखा है, और छिलने के पश्चात जो है यहाँ से फिर ये नया जो है पौधा स्वतंत्र जो है रह करके एक नया जो है पौधा उत्पन्न हो रहा है, और इसकी जड़ें अलग से निकल रही हैं। वैसे दूसरी साइड से भी कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ठीक है। तो इस तरह से दाब लगा करके ज़मीन में गाड़ करके और तने को हल्का सा छील करके जो है नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, इसे दाब लगाना कहा जाता है। फिर आता है गूटी लगाना, जो अगला प्रकार है। इसमें किसी शाखा को छिलकर खाद्ययुक्त मिट्टी लेप दी जाती है। गूटी को हर समय नम रखना आवश्यक है। बाद में शाखा से अवस्थानीय जड़ें निकल कर इसे मुख्य पौधे से काट कर अलग करके रोप लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें क्या करते हैं, एक पौधे के किसी शाखा को यहाँ पे छिल रखा है, ठीक है। छिल कर इसमें खाद युक्त जो है मिट्टी जो है लगा दी जाती है, ठीक है। इसे जब छिल लेते हैं, खाद युक्त मिट्टी यहाँ पे लगा दी जाती है, और गूटी को जो है किसी कॉटन के कपड़े से जो है बांध दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक इस तरह से घड़ा लटका करके उसका निकास जो है उस कपड़े के ऊपर कर दिया जाता है, जहाँ जिससे कि वो बांधा गया है जिस शाखा को, ठीक है, जिससे कि हमेशा वो स्थान नम रहे। और शाखा में से बाद में जो है अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जब इसके अंदर ही अंदर, इस कपड़े के अंदर ही अंदर, तो इसे फिर जो है मुख्य पौधा है जो इससे काट कर अलग कर लेते हैं और अलग जगह स्थान पर रोप देते हैं, जिससे कि एक नया जीव या नया जो है पौधा वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, इसको आपने अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है। उसके चित्र मैं आपको भेज दूंगा, इन चित्रों को भी जो है आपने बनाना है, ठीक है।